दूसरी मांग है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे मजदूर भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनको ना भविष्य निर्वाह निधि है, ना ग्रेच्युटी है, ना पेंशन योजना है उनके लिए। जब वो काम नहीं कर सकते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं या अपंग हो जाते हैं, दुर्घटना होती है, हाथ पाँव टूट जाता है, काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक न्यूनतम पेंशन होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। कानून 2009 साल में इसके लिए बन गया, जब ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस वक्त यूपीए सरकार थी। मगर ना यूपीए सरकार ने ना भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, उपलब्ध करने के लिए कुछ निधि का उन्होंने प्रावधान नहीं किया है। हमारी मांग यह है कि एक शुरुआती तौर पर हर एक बुज़ुर्ग नागरिक जिसका उम्र 60 साल पूरा हुआ है, यूनिवर्सल यानी कोई शर्त न रखते हुए हर एक बुज़ुर्ग भारतीय नागरिक को जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको कम से कम महीने का 3000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। हमें पता है कि 3000 रकम से बहुत कम है, मगर फिर भी एक शुरुआती तौर पर अगर वो शुरू हो जाए तो बाद में आगे वो बढ़ाया जा सकता है।